हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसन का एक नया नाश्ता बनाएंगे। वैसे तो बेसन के बहुत सारे नाश्ते होते हैं। आज थोड़ा ये नाश्ता थोड़ा कुछ अलग हट के, खूब कुरकुरा, खूब बेहद बहुत ही अच्छा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू ले लेंगे जो उबले हुए हैं, उनका छिलका उतार लेंगे। फिर आधी कटोरी बेसन लिया है, उसमें हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, अब इसको पानी डाल के पतला घोल तैयार कर लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं, एकदम पतला घोल तैयार करेंगे इसको। ये देखिए हमारा घोल बन के तैयार है। अब इसको हम जो आलू रखा हुआ है उबला हुआ, उसको कद्दूकस कर लेंगे। आलू मैश नहीं करना है, क्योंकि मैश करने से फिर वो नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं आलू को कद्दूकस ही करना है। जिस क्वांटिटी में हमने बेसन लिया है, उसी क्वांटिटी में हम आलू भी लेंगे, उससे ज़्यादा आलू नहीं लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे राई, जब राई हमारी चटकने लगेगी तो उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा हो जाएगा तो जो हमारा बेसन का पतला पतला घोल है उसको हम डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से पकड़े ना, ये घोल धीरे धीरे से गाढ़ा होना तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा घोल गाढ़ा होने लगा। ये हमारा घोल कस के ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसमें पानी बहुत कम रह जाएगा, तब उसमें हम आलू मिलाएंगे। ये हमने आलू मिलाए उसमें। अब आलू और बेसन को खूब अच्छी तरीके से आपस में मिला देंगे उसको कस के, ताकि सब एक जैसा हो जाए, आलू बेसन आपस में एक जैसे ही मिल जाए। ये देखिए हमारे आलू और बेसन एक साथ मिल गए। इसमें हरा धनिया और हरा मिर्चा, कटा हुआ हरा धनिया और मिर्चा इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। मिर्चा जैसे आप तीखा खाते हो, क्योंकि हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, और नमक हम लोग ने पहले ही डाल दिया, तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये डो हमारा बन के तैयार हो जाएगा, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको मनचाहा आकार दे लेंगे, जैसा भी आप देना चाहें। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 10 मिनट रेस्ट कराएंगे। हेलो, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस में काट लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको नई कोई रेसिपी देखनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अब इसको काट लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा कटा है। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला, अगर कोई मेहमान आ जाए तो इसको आप बहुत जल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। कोई जान भी नहीं पाएगा आपने कैसे बनाया। लोग यही पूछेंगे कि आपने बाज़ार से मंगाया है, आपने इसको कैसे बनाया, हर व्यक्ति आपसे रेसिपी पूछना चाहेगा। इसको लाल सुनहरा होने तक खूब अच्छे से भूनिए, बहुत तेज़ आँच में नहीं, आराम से मध्यम आँच में इसको तल लीजिए। ये देखिए हमारे कितने प्यारे बाइट्स से निकल रहे हैं। ये देखिए मेरा नाश्ता बनके रेडी है। अगर हमारे थैंक्स फॉर वॉचिंग।